subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज़ उमैरा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक क्रीमी स्टिक पे, जो कि हमेशा ही आती है, बट इसका बहुत ही रेयर स्टॉक होता है एंड बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. अभी फ़िलहाल देखा जाए जैसे कि मियो की जो स्टिक्स है वो है कुछ 90 रुपीज़ की, ये कुछ 99 रुपीज़ की है. मतलब 10 रुपीज़ का कुछ फ़र्क है इसमें. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट है. मैंने इसके जैसे क्रीमी स्टिक अभी तक नहीं देखे हैं. मैं हमेशा इसका चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रहे, बट लिमिटेड स्टॉक होता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है. सो, जैसा कि आप दूसरे शेबा की पैकिंग्स में देखेंगे तो उसमें बिल्कुल भी चाइना की तरफ से लिखा नहीं होता है, बट इसमें टोटली लिखा है एंड इसके इम्पोर्टर्स भी दूसरे हैं. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस बिल्लिया इसको देख कर कितनी पागल हो जाती है और इसकी स्मेल से कितनी पागल हो जाती है. तो मैंने इसे ओपन कर लिया है. सो, ये मेरा मेल कैट जो है वो बहुत ही चूजी है, इसे जल्दी ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती है. बस क्रीमी स्टिक्स में इसको कुछ भी दे दो सब पसंद आता है, बट फिर भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा चूजी है ये. बिल्कुल इसके डिपेंड करता है इसको कौन सा टेस्ट फ्लेवर पसंद आता है. तो चलिए अब हमें इसे टेस्ट कराते हैं. वैसे तो ये इसने पहले भी खाया है, बट अब काफ़ी टाइम हो गया इसने नहीं खाया है, तो मे बी देखते हैं इसे कैसा लगता है. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके खाते हैं. तो ये तो मेरा एक्सट्रीम पंच कैट है, ये थोड़ा सा है चूजी, बट मैं बाकी बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट करूँगी एंड आप लोगों को बताऊँगी कि इन्हें ये कितना पसंद आता है. सो, अगर आपको चॉइस करना है तो मियो की क्रीमी स्टिक में और शिबा की क्रीमी स्टिक में या फिर टेम्पटेशन की क्रीमी स्टिक में, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले शिबा ले, टेम्पटेशंस ले, फिर उसके बाद मियो ले. मियो आप एकदम लास्ट ऑप्शन रखिए, क्योंकि वो रेगुलर में मिल जाता है. बट अगर आपकी कैट को थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आपको पैम्पर करना है तो प्लीज़ गो फॉर शिबा, टेम्पटेशंस. ये बहुत ही अच्छी प्रीमियम ग्रेवी, इसमें ग्रेवीज भी अवेलेबल है एंड प्रीमियम ट्रीट्स के लिए बहुत ही बेस्ट रहती है. तो आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए. पर शिबा के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी वन ऑफ द बेस्ट है. इसका कंपैरिजन मियो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मियो की कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपने ही लेवल पे बेस्ट है. एंड ये ज़्यादातर बाहर बहुत अच्छे स्टॉक में मिलता है एंड अपने इधर पे थोड़ा लिमिटेड स्टॉक होता है. बट कोशिश कीजिए, अगर आपको आपके सामने अगर चॉइसेस हो शिबा, टेम्पटेशंस या फिर मियो की या फिर ग्रोवेल्स की, अभी जो कि एक और एक आया है, तो आप हमेशा शिबा या फिर टेम्पटेशंस के लिए जाइए, क्योंकि ये प्रीमियम क्रीमी स्टिक्स है, प्रीमियम ग्रेवी है. तो इट विल हेल्प कि आपकी कैट को ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत है तो आपकी कैट इंजॉय करके खाएगी. एंड मेरे बंगाल्स तो वैसे ही पागल है सारी चीज़ों के लिए, उनको तो बस दिखना चाहिए कि हमने क्या लाया है, और ये हमेशा के भूखे होते हैं. सो, मैं इन पे तो बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे मालूम है ये हमेशा के भूखे होते हैं, इन्हें जितना खिलाओ उतना कम है एंड ये सब खा लेते हैं. हमको पर्शियंस में बहुत सोचना पड़ता है कि हमारी बिल्ली ये खाएगी या नहीं खाएगी, बट बंगाल्स में हमको कभी नहीं सोचना पड़ता है कि बंगाल्स ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बिकॉज़ ये इतने भूखे होते हैं कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मैं अगर सुबह खाना छोड़ के जा रही हूँ तो वो हर 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. अगर मैं 1 घंटे पहले भी खाना रख रही हूँ तो वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा. फिर मैं अगर दोपहर में 2-3 घंटे बताऊँगी तो बिल्कुल बोल पूरा खाली मिलेगा. ये इतना इनका फीडिंग है, बट ज़्यादा फीडिंग ना कराते हुए तो मैं लिमिटेड ही रखती हूँ इनको. तो इन पे मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको मालूम है लड़ लड़ के खा रहे हैं आपके सामने अभी, तो ये तो है ही, मतलब इनके लिए तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम जन्नती है और ये बहुत ही शौक से खाते हैं. मैं आपको अब टेस्ट करके बताऊँगी किटन्स के ऊपर, जो कि आप देखेंगे उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि कैसा होता है, बच्चे जो होते हैं वो भी ज़्यादा चूजी होते हैं और नई चीज़ें देख के वो थोड़ा आगे पीछे होते हैं, तो उनको पसंद आता है कि नहीं पसंद आता है मैं आपको वो बताऊंगी. बंगाल्स में मेरे को आपको एक्सपेरिमेंट करके बिल्कुल नहीं बताना है, क्योंकि आप कुछ भी खिलाओ ये खा लेंगे. सो, दिख रहा है आपको कितनी गंदगी करके हमारे बंगाल कैट्स खा रहे हैं. तो चलिए मैं आपको किटन्स का दिखाती हूँ कि वो
कैसे एंजॉय करके खाते हैं। सो मैंने अभी सिर्फ स्मेल ही करवाया तो ये हाल है। सो किटन्स के लिए भी ये चॉइस बेस्ट है एंड आप बिल्कुल ट्राई कीजिए अपने कैट्स के लिए। प्रीमियम है, बहुत ही अच्छा, जो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं कैट्स, कभी कभी बहुत मूडी हो जाते हैं, खाना वाना नहीं खाते हैं, या फिर बहुत ड्राई फ्रूट खाने के लिए अगर वो नाटक कर रहे हो तो बस थोड़ा सा हल्का सा उनको लालच देने के लिए आप टॉपिंग कीजिए। इससे बिल्कुल खाना खाएंगे एंड बहुत ही मतलब एक्टिविटी लेवल एकदम बढ़ा दे रहा है ये बच्चों का। तो मैंने अपने दोनों किटन्स के ऊपर टेस्ट किया तो वो दोनों को ये चीज़ें पसंद आई है एंड मेरे लिए तो ये वन ऑफ दी बेस्ट है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने पहले भी खिला चुकी हूँ। मैं आप लोगों को ये चीज़ शेयर कर रही थी क्योंकि अभी मेरे पास ये चीज़ का स्टॉक आया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर करूँ। हाँ, कोई कोई सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर आप लोगों को ऑर्डर करना है तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया हुआ है, आप प्लीज़ मुझे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। बट लिमिटेड स्टॉक है तो मैं ज़्यादा नहीं भेज पाऊँगी। एंड बिल्कुल अगर आपको ऑर्डर करना है कोई भी सिटी रहे, होम डिलीवरी हो जाएगी। सो मैंने दूसरे किटन को भी खिलाया है एंड वो भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करके खा रहा है। सो अगर आपके सामने अगर चॉइसेस है, शिबा है, टेम्पटेशन है या फिर मियो है, तो प्लीज़ ऑलवेज गो फॉर शिबा। एंड प्लीज़ इसकी ज़्यादा भी आदत नहीं लगानी चाहिए, बट ये एक एज अ ट्रीट है। हमें हमारे कैट को थोड़ा सा पैम्पर करना है, थोड़ा एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है तो बेस्ट है। अगर आपके पास कैटनेप है तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर अगर आप कैटनेप स्प्रिंकल करेंगे तो ये और अच्छा काम करेगा। वैसे तो इसके अंदर है ही, बट स्टिल आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।